हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अब हम लोग निकले हैं यहाँ से बैजनाथ धाम से बीर बिलिंग जाने के लिए, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। एंड हमें वहाँ पहुँचने में तकरीबन आधा घंटा लगेगा। मौसम बारिश का है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। चलिए चलते हैं बीर की तरफ। बीर बिलिंग नाम एक साथ लिया जाता है, बट दे आर टू डिफरेंट प्लेसेस, जस्ट लाइक दमन एंड दीव। रिमझिम रिमझिम बारिश की फुहारों में चलते चलते हम पहुंच गए बीर के पास। ये हिमालय की धौलाधार रेंज की गोद में बसे हुए दो अलग अलग वैलीज के नाम हैं, और यहाँ का मेन अट्रैक्शन है पैराग्लाइडिंग, बिकॉज सन 2015 में यहाँ पर हुआ था पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप। चलिए आगे चलते हैं। ये जगह फिल्मों में देखे गए कुछ कुछ स्विट्ज़रलैंड के सीन्स की याद दिलाती है। व्यूज़ बहुत ही शानदार हैं। ऐसे खुशनुमा मौसम में ड्राइविंग करने का मज़ा ही अलग है। सो एज आई वॉज टेलिंग, बिरिंग इज़ द टेक ऑफ पॉइंट, वाइल द चुगान एट बीर इज़ द लैंडिंग साइट। तो लीजिए, अब हम मुड़ गए हैं बीर कॉलोनी रोड पे। आपके लेफ्ट हैंड पे जो ये झंडियाँ दिख रही हैं, ये तिब्बतीन कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, और आई थिंक आने वाले टूरिस्ट को वेलकम भी कर रही हैं। लगभग 1 किलोमीटर की इस नैरो लेन से होकर गुजरेंगे और हम पहुंच जाएंगे चौगान। हालांकि यहां का मेन अट्रैक्शन है पैराग्लाइडिंग, पर अगर आपको पैराग्लाइडिंग नहीं भी करनी तो भी आपके लिए यहाँ करने को बहुत कुछ है। नाइस फूड, बहुत सारे मेस्मराइजिंग व्यूज एंड ढेर सारी उम्र भर याद रखने के लिए फोटोग्राफ्स और वीडियोस। बस और क्या चाहिए। हो गया आपका गुड टाइम। बस कुछ ही पलों में हम इन गलियों से गुजरते हुए पहुंचने वाले हैं मेन अट्रैक्शन, द पैराग्लाइडिंग साइट ऑफ बीर। रोड्स काफ़ी नैरो है, इसलिए पास करने में दिक्कत होती है, और हर व्हीकल को रुक करके दूसरे व्हीकल को पास देना पड़ता है, और देना भी चाहिए, तभी हम स्मूथली यहाँ से पास कर सकेंगे और ट्रैफिक चलेगा। मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में इस रोड को कुछ वाइडन किया जाएगा ताकि थोड़ा सा ट्रैफिक स्मूथ हो जाए। अभी देखें ना, ये जो दो गाड़ी खड़ी है, कितना मुश्किल से हमें यहाँ से निकलना पड़ रहा है। एनीवेज, चलिए आगे चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं बीर की लैंडिंग साइट में, जहाँ हिमाचल के बाकी हिल स्टेशन पर पीक सीज़न में पांव रखने की भी जगह नहीं होती, बीर बिलिंग में अभी भी वही हिमाचली चार्म बाकी है। पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये कोई रिमोट एरिया है। ये अप मार्केट कल्चर से ज़रा सा भी दूर नहीं है। स्टिल इट हैज़ ब्रीदिंग स्पेस फॉर एवरीबडी। ऐसा लग रहा है कि हम अपनी मंजिल के बिल्कुल नज़दीक हैं, और चौगान लीजिए, आपके सामने है चौगान आपके बाईं तरफ। अभी यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे के नज़ारे। पूरी वैली के पीछे धौलाधार की सुंदर पहाड़ियाँ अपनी छटा बिखेर रही हैं। बीर अभी भी टिपिकल हिल स्टेशन वाली हसल बसल से काफ़ी दूर है। एट वन साइड देर आर लश ग्रीन्स एंड मेजेस्टिक धौलाधार पीक्स, एंड दूसरी तरफ देखिए ये सुंदर वैली
और इसके आगे मोनेस्ट्रीज और खुला हुआ चौगान। यहाँ पर जो मोनेस्ट्रीज भी हैं दे आल्सो रिप्रेजेंट ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ हिमाचली एंड तिब्बतियन कल्चर। इसीलिए आपको यहाँ की मार्केट में भी और रेस्टोरेंट्स में भी तिब्बतियन फूड की बहुतायत देखने को मिलेगी। दिल्ली से बीर आप हर तरह से पहुँच सकते हैं। बाय एयर आना हो देन द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट इज़ गगल विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 68 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। और अगर आप ट्रेन से आना चाहें तो आपको पठानकोट आना पड़ेगा और वहाँ से चाहें तो रोड या फिर एक छोटी ट्रेन चलती है उसे पकड़कर बैजनाथ आ जाएं। और बैजनाथ से तो ये जगह लगभग 15 किलोमीटर ही है। वैसे दिल्ली से HRTC की बसेस डायरेक्ट भी चलती हैं, वॉल्वो भी है उनमें, जो आपको लगभग यहाँ पर 12 घंटे में पहुँचा देंगी। वैसे अगर मैं अपनी कहूँ देन माई फेवरेट इज़ रोड ट्रिप। इट इज़ अबाउट 500 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली और आप देखोगे कि कांगड़ा के बाद तो ये जर्नी बिल्कुल मान लीजिए कि स्वर्ग से होकर गुजरती है। फॉरेस्ट, वैलीज, टी गार्डन्स, द जर्नी बिकम्स एन एक्सपीरियंस फॉर द लाइफ टाइम। तो लीजिए, जिसका इंतज़ार था वो आखिर स्टार्ट हो ही गया। बारिश रुक गई तो इन पैराग्लाइडर्स ने, जो कि ऊपर वेट कर रहे थे, एक एक करके डाइव करना स्टार्ट कर दिया है। मेन अट्रैक्शन ऑफ बीर बिलिंग इज़ पैराग्लाइडिंग, ये आप सबको पता ही है। ये जगह वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट मानी जाती है आफ्टर लेक कोमो इन इटली। और एशिया में यहाँ बेस्ट फ्लाइंग कंडीशंस हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि 200 किलोमीटर्स तक यहाँ पर फ्लाइंग कंडीशंस अवेलेबल है। अब मुझे तो मेडिकल रीजन से पैराग्लाइडिंग अलाउड नहीं थी, अदरवाइज आई वुड डेफिनेटली हैव एंजॉयड इट। पैराग्लाइडिंग जब आप करेंगे तो शुरू में तो आपको डर लगेगा, लेकिन एक दो मिनट के बाद ही आप यूज टू हो जाओगे एंड योर वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस स्टार्ट्स विद दैट मोमेंट। द बेस्ट टाइम टू कम हेयर इज फ्रॉम अप्रैल टू जून, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, मानसून स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर जो लोग आते हैं यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर में आते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। टूरिस्ट यहाँ दूर दूर से आते हैं जस्ट टू एंजॉय दिस थ्रिल। बीर में तिब्बतन कॉलोनी बनी थी सन 1960 में, जब आपको याद होगा कि दलाई लामा तिब्बत छोड़कर इंडिया में आए थे। लुक एट दिस व्यू, लुक एट द डाइवर कमिंग राइट ओवर यू, दिस इज लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अगर सब ठीक है तो आपको एक बार पैराग्लाइडिंग एंजॉय जरूर करनी चाहिए। मैंने सुना है कि पैराग्लाइडिंग अगर हमें एंजॉय करना हो तो सबसे अच्छा टाइम वो है जब शाम को सूरज ढलता है। शाम के समय सूरज की लालिमा लिए हुए वैली को देखने का मज़ा कुछ अलग ही होता होगा। मैं तो ये सोचकर ही खुश हो रहा हूँ कि उस समय वो सीन क्या होता होगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। और हाँ, जिन्होंने ये पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस किया है वो मुझे ज़रूर बताएं कि सबसे अच्छे टाइम पैराग्लाइडिंग कब करनी चाहिए। रहने के लिए ये जो 1 किलोमीटर की कॉलोनी रोड है वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे होम स्टेज, जोस्टल्स, होस्टल्स बहुत हैं यहाँ पर, जो बजट में आपको मिल जाते हैं। अब हमें तो यहाँ ठहरना नहीं था क्योंकि मौसम ख़राब है और हमें आगे जाना है।
बट अगर आपको यहाँ रहना हो तो बहुत रीजनेबल ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको बहुत तिब्बतीन फूड मिल जाएगा। लाफिंग और मोमोज तो बहुत कॉमन स्नैक्स हैं यहाँ पर। हम भी यहाँ आए हैं, देखते हैं हमें क्या खाने को मिलता है, पर हमें तो मैगी से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि सामने वाला रेस्टोरेंट बंद है। हम छोटे से स्टॉल में चलते हैं, यहाँ लिखा तो है मैगी, शायद मिल जाए। बीर में एंजॉय करने का सबसे अच्छा जो तरीका है कि आप यहाँ आइए और यहाँ से माउंटेन बाइक को रेंट पे लीजिए और यहाँ के पिक्चर्स लैंडस्केप में बाइक राइड कीजिए, जो चैलेंजिंग तो है लेकिन रिवार्डिंग भी बहुत है। तो अब हम भी चलते हैं अपने अगले सफ़र की ओर। यहाँ से हम जाएंगे माता बगलामुखी के मंदिर, फिर आगे देखते हैं कहाँ निकलना होता है। आप भी इस व्यू को एंजॉय कीजिए और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और हर बार की तरह मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो लोग पहली बार आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।